हाय ऑल, वेलकम है आपका पैशन ऑफ कुकिंग बाय माया में। आज मैं आपके सामने एक नई डिश के साथ आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत अलग अलग चीज़ें बताई, इस बार मैं आपके जो बनाने वाली हूँ रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सिंपल है और खाने में बहुत बेहतरीन है, जिसमें हम जिसको बोलते हैं कढ़ी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो एक प्याज, लाल मिर्च, मेथी, हरी मिर्च, दही, कटा हुआ लहसुन, बेसन, हल्दी, कड़ी पत्ता, हींग बहुत थोड़ी सी चाहिए, नमक। हो गया? हो गया, ठीक है। जी ठीक है, ये है ना, डाल लो बेसन इसमें, डाल दो ना पूरा, और घोलने के लिए अलग है ना। तो अब मैंने एक बोल में बेसन, प्याज कटे हुए, मिर्ची और हल्दी डाल ली है थोड़ी सी। इसके हम पकोड़े बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिए। तो अब हमने इसमें नमक ऐड कर लिया, अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे जो कि मैं कढ़ी में डालूंगी। आप इसको नॉर्मली भी खा सकते हैं, ये सिंपल पकोड़े हैं, आप खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्रिस्पी होंगे। बहुत अलग अलग टाइप के पकोड़े लोग डालते हैं कढ़ी में, पर ये जो मैं डाल रही हूँ वो प्याज की डाल रही हूँ। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप एक पकोड़े बना रहे हो तो हाथ से बहुत अच्छे तरीके से, धुले हुए हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो अब जैसा आप देख सकते हैं, मिर्ची, प्याज, नमक, हल्दी और बेसन को मैंने एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लूंगी, जितने में ये बाइंड हो जाए, मतलब पकोड़े अच्छे से बन जाए। आप चाहिए तो ग्लव्स पहन के कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैंने हाथ को अच्छे से धो लिया है और उससे बना रही हूँ। इतनी देर में ये पकोड़ों का बैटर बन रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरा तेल गर्म हो रहा है और मैं पकोड़े जो है वो सरसों के तेल में ही छानूंगी। अब देखेंगे, अब आप देखोगे कि इस ये जो पकोड़े का बनाया है मैंने, ये बहुत ज्यादा पतला नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है। ऐसा बनाइए कि इसमें पकोड़े अच्छे से बन जाए, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर थोड़ा ज्यादा नहीं रखना है। अब मैं इन बने हुए को छान लूंगी। गैस को मैंने मीडियम आंच पे रखा है ताकि पकोड़े अंदर से अच्छे से पक जाए। अगर आप बहुत तेज आंच पे पकाएंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप इस कढ़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ, चावल के कोई भी वेरिएशन, बासमती या रेगुलर चावल के साथ खा सकते हैं। ये कढ़ी खाने में बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप देखेंगे कि ये अब ये धीरे धीरे हो रहे हैं, मैंने एक साथ ही थोड़ा डाल लिया है कि क्योंकि ज्यादा नहीं थे। ये जो कढ़ी की क्वांटिटी मैं बना रही हूँ, ये आराम से 4 से 5 लोग खा सकते हैं। अब आप इन पकौड़ों को पलट लीजिए। जितनी देर में देखेंगे आप पकोड़े हो रहे हैं, उतनी देर में हम कढ़ी का दूसरा चीज तैयार कर लेंगे। ये एक बोल में मैंने बेसन, दही, थोड़ी सी हल्दी और नमक को, नमक मैंने पकोड़ों में भी डाला है और मैं इसमें भी डाल रही हूँ, तो बहुत ही कम क्वांटिटी डालिएगा, नहीं तो आपकी कढ़ी बहुत ज्यादा नमक जैसी हो जाएगी। तो अब ये जो दही, बेसन, नमक और हल्दी मैंने डाला है, मैंने इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। मतलब आपको एक पतला घोल बनाना है जो कढ़ी के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा पतला है, मतलब आपको गाढ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि जब कढ़ी पकती है तो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसको बना के साइड में रख लूंगी जितनी देर में मेरे पकौड़ी तैयार होती है। मैं इस पकौड़े को देखेंगे तो अभी होने लग गई है, अब इसको मैं पलट रही हूँ और इतनी ही देर में मैंने इसका बैटर बना लिया। ये बैटर आप, ये जो घोल मैंने बनाया ये आप पहले भी बना के रख सकते हैं ताकि बीच में आप जल्दीबाजी ना करें, तो ये घोल को आप बना के साइड में रख लीजिए। तो आप देखेंगे ये पकौड़े ऑलमोस्ट हो गए, इनको पकने के लिए 5 से 7 मिनट लगता है अच्छे से।
बहुत ज्यादा ओवर लाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कढ़ी के अंदर जाएंगे। देखेंगे तो ये मैंने पलट के अच्छे से अब ये पकोड़े हो गए। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो जिस तेल में मैंने पकोड़े तले थे मैं उसी तेल में कढ़ी बनाऊंगी। अभी आप देखेंगे द क्वांटिटी ऑफ ऑयल ज्यादा है तो अब इसको आप थोड़ा कम कर लीजिए। तो मैंने तेल कम कर लिया है, हाफ से थोड़ा ज्यादा है। तो सबसे पहले अब हम कढ़ी को, जो कढ़ी का मैंने घोल बनाया था उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जो मैंने मेथी ली थी वो डाल लूंगी। मैंने इसमें मेथी डाल लिया और मैंने इसमें ये कटे हुए लहसुन डाल लिए। अब मैं इसमें जो मैंने हींग मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, ये पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें ये खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए। ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं पर इससे कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें आखिरी चीज जो है कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्ता आप आखिरी में ऐड कीजिए क्योंकि ये पकने के टाइम थोड़ा होता है। और सेफली डालिए ताकि आपको लगे ना। अब ये देखेंगे आप, तो हमको ज्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ा ही देर पकाना है। ये हो गया है, मिर्ची लाल हो गई है, तो अब मैं इसमें ये घोल ऐड कर लूंगी। जब आप ये घोल ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये घोल मैंने पूरा डाल लिया है। अब इसको धीरे धीरे हमें बॉईल करना है। ये जो मिर्ची देखी आपने, मैंने एकदम डार्क रेड हो गई है उसमें भूनने के बाद। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे और उसमें फिर हम जो हमने पकोड़े बनाए थे वो हम ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे तो ये कढ़ी धीरे धीरे बॉईल होना शुरू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कढ़ी जितना देर उबलेगी वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा देर तक उबाल सकते हैं। आपको बहुत थिक नहीं करनी है बट आपको अच्छा उबाल देना है इसमें। तो आप देखेंगे ये कढ़ी उबल रही है, इसको उबलने दीजिए अच्छे से। और ये अब थोड़ा आप नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप भी बनाएंगे तो हैव थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू होगा। अगर मैं आपको बता सकती इस कढ़ी की स्मेल कैसी आ रही है तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। और जब आप बनाएंगे तो आप खुद जब स्मेल सूंघेंगे तो पता चलेगा आपको इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक उबलने दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये कढ़ी अच्छे से उबल रही है। तो मैं इसको और 5 से 6 मिनट उबालूंगी और फिर मैं इसमें वो पकौड़े ऐड करूंगी। और ये अब अगर आप देखेंगे तो ये काफी हद तक गाढ़ी हो रही है। और जब कढ़ी थोड़ी ठंडी होती है तो और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो आप देखेंगे ये मैंने और 5-7 मिनट तक इसको अच्छा सा उबाल लिया है। तो हम इसको और 2 मिनट उबाल के इसमें पकोड़े ऐड करूंगी। तो अब मैं फाइनल स्टेप जो मैंने पकोड़े बनाए थे मैं उसमें अब डाल दूंगी। और पकोड़े डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से फिर से उबाल लूंगी। ये जरूरी है ताकि पकोड़े सॉफ्ट हो जाए और पकोड़ों में दही अच्छे से रिस जाए। रिस जाए का मतलब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो अब मैं इसको और 5-7 मिनट तक पकोड़े डालने के बाद उबाल लूंगी। तो फाइनली मैंने इसको 5 मिनट तक उबाल लिया है और ये आपकी कढ़ी रेडी है। आप इसको चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए पैशन कुकिंग बाय माया का। और नेक्स्ट रेसिपी जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगी, सिंपल और बनाने में भी अच्छी। तो ये आपकी कढ़ी
बन चुकी है।